नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। सोशल मीडिया ने कई लोगों की जिंदगी बनाई है, उन्हें रातों रात स्टार बनाया है। अब एक बार फिर सोशल मीडिया की ताकत सामने आई है। दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चला रहे 80 साल के एक गरीब बुजुर्ग कांता प्रसाद का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वे खाना ना बिकने की वजह से रोते हुए दिखे। उनके ढाबे का नाम है बाबा का ढाबा, जिससे वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर चलाते हैं। ये दंपति गरीबी की मार झेल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बाबा के ढाबे पर लोगों की लाइन लग गई। स्लैब्स भी बाबा का ढाबे को सपोर्ट करते हुए बुजुर्ग कांता प्रसाद की मदद को आगे आए। रवीना ने ट्वीट कर लिखा, जो भी यहां खाना खाए मुझे तस्वीर भेजे, मैं आपकी तस्वीरों के साथ एक स्वीट मैसेज लिखूंगी। वहीं रणदीप हुडा ने लिखा कि अगर आप दिल्ली में हैं तो यहां जरूर जाएं। बाबा का ढाबा सोनम कपूर ने कांता प्रसाद का वीडियो शेयर कर डिटेल्स मैसेज करने को कहा। बता दें कि तमाम लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद अब बाबा का ढाबा शानदार चल रहा है। कांता प्रसाद का कहना है कि अब उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। कांता प्रसाद साल 1990 से ये ढाबा चला रहे हैं। उनके ढाबे पर चाय, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, पराठे मिलते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी के विधायक सोमनाथ भारती ने भी इस ढाबे का विजिट किया। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज़।